हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कौमी ऑटो आइडियाज वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू ह्यूंडई क्रेटा एंड लाइन के बारे में। ह्यूंडई क्रेटा एंड लाइन एसवी को ग्लोबली मार्केट में आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया गया है। नई एसवी लोकप्रिय क्रेटा कॉम्पैक्ट एसवी का एक स्पोर्टियस वर्जन है। क्रेटा की लॉन्चिंग के बाद से ही अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी खासी बिक्री कर रही है। क्रेटा एंड लाइन को भी ग्लोबली मार्केट में डेब्यू के बाद भारत में लॉन्च किया जा सकता है। न्यू क्रेटा एंड लाइन ग्लोबली मार्केट में मौजूदा ह्यूंडई क्रेटा एंड लाइन मॉडल की तरह ही है। कुछ छोटे मोटे मैकेनिकल बदलाव के साथ इस स्पोर्टियर स्टाइलिश एसवी को पेश किया गया है। ह्यूंडई क्रेटा ऑलरेडी कॉम्पैक्ट एसवी सेगमेंट में एक मजबूत पकड़ बनाए हुए है। अगर इस एसवी का एंड लाइन वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया तो इसकी बिक्री और भी बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में आने वाली ह्यूंडई क्रेटा एंड लाइन की साइड रिवील हुई डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पहले तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ह्यूंडई क्रेटा एंड लाइन के एक्सटीरियर लुक और डिजाइन के बारे में। नई क्रेटा एंड लाइन ग्लोबल मार्केट में मौजूदा ह्यूंडई एंड लाइन मॉडल की तरह ही है। इस एसयूवी में मैकेनिकल अपडेट के साथ ही एक स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं। एसयूवी का फ्रंट प्रोफाइल अब काफी लंबे फ्रंट बम्पर के साथ आता है। ऐसा लगता है कि कार के एयर इंटेक भी बड़े हो गए हैं और कार में एक नए डिजाइन के फॉग लैंप हाउसिंग दिए गए हैं। फ्रंट ग्रिल में अब डार्क क्रोम ट्रीटमेंट के साथ इंसर्ट भी है, जो कि ट्यूशन में पाया गया है। नई क्रेटा एंड लाइन भी ग्रिल के ऊपर फर्स्ट ह्यूंडई एंड लाइन बैजिंग के साथ आती है, जबकि हेडलैम्प यूनिट्स में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अन्य प्रमुख स्टाइल अपग्रेड की बात करें तो इसमें फ्रंट फेंडर पर नई एनलाइन बैजिंग दी गई है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स को भी ऑल न्यू डिजाइन के साथ उतारा गया है। साथ ही साइड स्कर्ट्स और विंडो लाइन पर डार्क बिट्स दी गई है। रियर सेक्शन में एक अलग बम्पर दिया गया है, जिसके प्रमुख एनलाइन सिग्नेचर डिजाइन बिट्स एक फॉक्स डिफ्यूजर और ट्विन एग्जॉस्ट टिप्स है। ऑल ओवर लुक इतना स्पॉटी बनाया गया है कि क्रेटा की स्टाइलिंग एलिमेंट्स पे एनहेंस करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ह्यूंडई क्रेटा एंड लाइन के इंटीरियर के बारे में। दोस्तों, ह्यूंडई क्रेटा एंड लाइन का इंटीरियर काफी प्रीमियम बनाया गया है। इसमें आपको काफी सारे अपडेटेड फीचर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही इसकी सीटों को काफी स्पॉटी बनाया गया है, जिससे इसका लुक काफी प्रीमियम हो जाता है। इस एसयूवी के केबिन के अंदर नई ह्यूंडई क्रेटा एंड लाइन की सीटों में रेड इंसर्ट्स, रेड एम्बिएंट लाइटिंग और सीटों में कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग दी गई है। एनलाइन थीम वाले गियर नोज और स्टीयरिंग व्हील सहित अन्य बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही इसके केबिन में काफी सारी जगहों पर एनलाइन बेजिंग दी गई है। बाकी फीचर्स की बात करें तो आपको सॉफ्ट ड्यूल टोन डैशबोर्ड, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील्स, एक बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करती है। साथ ही इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट, सीट्स विद हेडरेस्ट, एक्टिव पार्किंग असिस्ट, हीट रिजेक्शन ग्लासेस, लाइट डोर पॉकेट, क्रूज कंट्रोल, 4 एयरबैग्स जैसे स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ह्यूंडई क्रेटा एंड लाइन के इंजन के बारे में। नई क्रेटा एंड लाइन में कोई खास मैकेनिकल अपडेट मिलने की संभावना नहीं है। ह्यूंडई बेहतर स्टीयरिंग फीडबैक के लिए सस्पेंशन सेटअप में बदलाव कर सकती है। इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इसके प्राइस की बात करें तो तकरीबन 14 लाख से स्टार्टिंग प्राइस रखी जाएगी। तो दोस्तों, क्या यह एसयूवी इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो आप लेना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, थैंक यू अंत तक देखने के लिए।